ये भाई साहब केक के ऑनर हैं। हेलो, तो इनसे थोड़ा मीटअप कर लेते हैं। यस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपका भाई ले चलेगा, एक फेस्टिवल है वियतनाम में जो कि 15 दिन बाद आने वाला है, उसको मून केक भी बोलते हैं और वियतनामीज़ के भाषा में चुनथू भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग के जो दिवाली होता है वहाँ पे मिठाई लगाए जाते हैं रोड में, तो इस तरह भी रोड में कुछ केक्स लगाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे और थोड़ा सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट में हम कुछ वियतनाम के इम्पोर्टेंट बात भी आपको बताएँगे। तो वीडियो का मज़ा लीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस, फाइनली आपका भाई पहुंच गया है वहाँ केक के दुकान पे और अभी आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। थोड़ा धूप है यार, मौसम थोड़ा गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ब्लॉगिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइस, ये सब दुकानें हैं केक वाले, आप देख रहे होंगे। इनका फेस्टिवल का नाम है चिंतू, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया, और इंग्लिश में मून केक भी इनको बोलते हैं। तो ये सारे दुकानें हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जितने भी हैं काफ़ी सारे एक्सपेंसिव केक रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और भी इसी तरह बहुत सारे दुकानें हैं जो कि मेरे सिटी में लगा हुआ। और मैं आपको बता दूं, मैं वियतनाम में बकनिन सिटी में रहता हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। अभी तो कोविड है तो 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अंदर से ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जब खुल जाएगा पूरा तो आप बार बार भी जाके आपके लिए वीडियो बनाएंगे और अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो बस सपोर्ट भाई को करती रहिएगा। अभी आपको पूरा दिखाते हैं, ये पूरा रोड में लगता है, ये आप देख रहे हो जितना भी पूरा रोड में दूर दूर तक लगता है। और ये 15 दिन के बाद फेस्टिवल ये आने वाला है। सो गाइस, ये जो भाई है ये दुकान का मालिक है, सिंह चाव। हेलो हेलो, तो मान यू दियन मोस्ट गाइस मान यू ये 72। तो ये वियतनामीज डोंग में बोल रहे हैं 70 रुपीज़। तो आप इंडिया का 3 गुना लगा लीजिए, ये वियतनाम का 70 रुपया में, यानी कि 70 वेंडी। तो इंडिया का 3 गुना आप लगा लीजिए, मोटा मोटी 200-250 हो रहा है। ये प्राइस ये 40 बिलियन 4 मिलियन 4 मिलियन हाँ। तो भाई ये 4 मिलियन का केक है, यानी कि आपको बता दें 4 4 8 4 12, ये 12,000 का है। तो ये जितने भी आप डब्बे देख रहे हैं काफ़ी इसमें अच्छा अच्छा केक है। और इसमें सिर्फ वियतनामीज़ नहीं है, इसमें कई सारे कोरियन केक भी आपको मिलेंगे, जैपनीज केक भी मिलेंगे और चाइनीज़ केक भी मिलेंगे। तो डब्बा आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर सरियाया हुआ है और काफ़ी कॉस्टली कॉस्टली है भाई, 12-12 13-13 हज़ार का केक है। अंदर भी इन्होंने रखा है, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे दुकानें हैं, देख रहे होंगे आप केक, देखिए डब्बा कितना अच्छा है, लेकिन कॉस्टली है भाई, जितने भी केक है सारे कॉस्टली हैं। इधर भी हैं, ये भाई साहब केक के ऑनर हैं। हेलो, तो इनसे थोड़ा मीटअप कर लेते हैं। यस, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? जो भी अभी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया उनका। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए भाई पे, और वीडियो तो हम बनाते रहेंगे हमेशा। जो भी चैनल पे नए हैं भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। भाई को बस इसी तरह सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आप लोग अभी सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का वीडियो हम वियतनाम से आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। सो गाइस, आगे भी एक दुकान है, यहाँ भी केक मिल रहा है जो वियतनामीज़ फेस्टिवल है। तो यहाँ भी काफ़ी कॉस्टली कॉस्टली केक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब डब्बा ही देख के मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, इसके अंदर तो केक होगा ही, देख रहे हैं पूरा लाइन से लगा हुआ। और ये काफ़ी काफ़ी सारा जितने भी रोड है सब पे लगता है, और भी जगह जाते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं। अभी शाम को बहुत भीड़ होता है यहाँ पर, लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, रुकते हैं और यहाँ पे केक लेते हैं। अभी फेस्टिवल तो आई थिंक नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तो कोविड है, लेकिन लोग इन्जॉय करेंगे फेस्टिवल को ज़रूर, क्योंकि भाई साल में सबका फेस्टिवल आता है, हम लोग का भी फेस्टिवल आता है इंडिया में, तो इन्जॉय करते हैं। तो ये लोग का भी आता है तो इन लोग भी इन्जॉय करेंगे। आप देख लीजिए, आपको भी सुंदर लग रहा होगा अगर। तो भाई यहाँ पे भी और एक केक के दुकान मिल गए हैं, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह रोड में बहुत सारे दुकानें हैं जो आपको मिल जाएंगे।
कि पिछले साल मुझे भी मेरे मेंबर ने ये एक डब्बा केक दिया था। खाने में अच्छा है यार, काफ़ी टेस्टी है और बहुत प्रकार के यहाँ पर मिलते हैं, वैरायटी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये लास्ट दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी सिटी का, क्योंकि अब घर भी जाना है और गर्म भी काफ़ी है यार। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ का परंपरा और यहाँ का रीति दिखाना था कि किस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल को। तो भाई लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और मैंने आपको अलग अलग दुकानों पे ले जा के दिखाया है, वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे आई होप। देख रहे हैं पूरा सजा हुआ है। तो भाई वीडियो में जो भी नए हैं भाई को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वियतनाम के कल्चर और वियतनाम के लाइफ स्टाइल पर आपका भाई राकेश सिन्हा वीडियो बनाते रहता है। तो चलते हैं घर और फिर देखते हैं उधर भी अगर कुछ होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रोड के उस पार भी एक केक का दुकान लगा हुआ है, मैं रोड के इस पार से आपको दिखा रहा हूं क्योंकि गाड़ी मेरे को टर्न करना पड़ेगा, तो हम बोले यहीं से आपको एक बार दिखा देते हैं। तो काफ़ी तो गाइस अब हम पहुंच गए अपनी सोसाइटी, वीडियो तो बना लिए, चमन भैया के साथ गए थे, चमन भैया का घर से कॉल आ रहा था तो चमन भैया मुझे छोड़कर चले गए और वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को आप देखिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो कैसा लगा भाई लाइक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।